मैंने सुना था कि यहाँ पे 100 रुपए के 5 किलो मिल जाते हैं क्या? 100 रुपए मिल जाते हैं, 100 रुपए के 5 किलो एप्पल। यहाँ पे पूरा व्यू दिखता है, सारे माउंटेन्स आपको दिखते हैं, आप आराम से यहाँ बैठो, अपना खाना एंजॉय करो, पीना एंजॉय करो। हाँ, यहाँ पे ना बर्फ गिरता है, यहाँ पे 4-4 फीट तक यहाँ पे स्नो गिरता है। यार ये रूम कब खुलेगा मेरा? कौन सा रूम आपका? अरे रूम नहीं है, जियोडेसिक डोम। रूम में तो मैं ऑलरेडी इतना स्टे कर चुकी हूँ, रूम नहीं मुझे ये चाहिए। कम ये बहुत टाइम से मैं इंतजार कर रही थी आने का, जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है। व्हाट्सअप, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। क्या हाल चाल? सो अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि अभी हम थोड़ा बाहर घूमने आए हैं एक शॉर्ट ट्रिप पे, एंड अभी हम आए हुए हैं कैनथल में। कैनथल एक जगह है जो है धनोल्टी के पास, बहुत ऑसम प्लेस है, और यहाँ पे हम रुके हैं एक इतनी अमेजिंग प्रॉपर्टी में, आई कांट इवन टेल यू। मतलब ये प्रॉपर्टी है ना, इसका नाम है कीको स्टेस, ठीक है? और ये जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमें डॉम्स मिलते हैं रहने के लिए। मतलब डॉम्स आर लाइक रूम्स ओनली, बट अगर आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार पीछे से पूरा दिखा देती हूँ, वो आपको जो वाइट कलर के गोल गोल रूम्स दिख रहे हैं ना, उनको डॉम्स बोला जाता है। और ये इस तरीके की प्रॉपर्टी मैंने पहली बार देखी, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे रुकी हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस पे तो मुझे एक व्लॉग शूट करना चाहिए। आई एम डैम श्योर कि आपने भी इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी पहले देखी नहीं होगी, मतलब आप भी मेरी तरह अमेज होगे। अब मैं आपको ना एक बार पूरा टूर करा दूंगी कि यहाँ पे हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, और हॉस्पिटैलिटी कैसी है, फूड कैसा है, ये जो डॉम्स है ये अंदर से कैसे हैं, क्या प्राइसिंग एंड ऑल, सब कुछ मैं आज आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। कुछ भी सवाल किसी का रहेगा मुझे कॉमेंट करना। और यहाँ की सबसे मस्त बात ये है कि ये इतनी सुंदर जगह पर इन्होंने बनाया है ना, मतलब इन डॉम्स में से आपको सीधा बाहर के जो पीछे के आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, वो सब क्लियरली दिखते हैं। ये आप देखो, ये पीछे पूरी हिमालयन रेंज है, और यहाँ से प्रॉपर साफ सारे के सारे माउंटेन्स हमें दिखते हैं। बट अभी थोड़ा सा क्या हो रखा है, क्लाउडी हो रखा है, इस वजह से हमें पूरा क्लियर व्यू आ नहीं रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज वर्थ टू व्यू। हमारे साथ है नरेंद्र भैया जो यहाँ के सब कुछ मैनेज करते हैं, एंड ही इज वेरी 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 नाइस पर्सन, मतलब ट्रस्ट मी। यहाँ पे वो कैसे, ये भी इनका सवाल है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना, मतलब ये आपको इतना कंफर्टेबल फील करा देंगे, आपको लगेगा ही नहीं आप यहाँ पे गेस्ट हो, मतलब एक फैमिली वाली फील आती है हर चीज़ में। अब इसके बाद अब नरेंद्र भैया हमें थोड़ी सी हेल्प करेंगे, रूम का टूर करा देंगे, और वो हमें थोड़ा सा बता देंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और उनका आगे का क्या गोल है, वो इसे किस तरीके से देखते हैं। ओके, चलिए लेट्स गो। सो सबसे पहले ना एक बार आप रूम का टूर ले लो, इधर आए, एक बार आप ये रूम देखो, मतलब यहाँ से कितना प्यारा व्यू आता है, सामने हिमालयन रेंजेस है। अभी थोड़ा सा ना यहाँ पे मौसम ख़राब है, उस वजह से क्लियर दिख नहीं पा रहा है अंदर से। यहाँ पे जब आप रेस्ट करते हो, आप मॉर्निंग में उठते हो, उसके बाद सनलाइट यहाँ से पड़ती है, वो व्यू देखने लायक होता है। ओके, सुनील भाई आप मुझे ये बताओ थोड़ा सा कि आपने प्रॉपर्टी स्टार्ट कब की, और मतलब आपको ये इस तरीके के डोम्स का आइडिया कैसे आया? देखो, इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट हमें किए हुए अभी एक महीना ही हुआ है, न्यू ईयर पे इसका जॉइनिंग था, उसके 10 डेज बाद यहाँ पे गेस्ट आना शुरू हो गए थे। ओह, नाइस। हाँ, और अभी अच्छा रिस्पांस है। हाँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी अभी फुल जा रही है। सो भैया जो यहाँ पे जो डूम्स है, आपने यहाँ पे मतलब जैसे ये जो एरिया है ये एकदम थोड़ा बाहर आता है, बट आपने जहाँ पे ये जो सर्विसेज दी है ना, ये सारी मतलब 5-स्टार होटल से कम नहीं है। मतलब अगर आप इधर देखेंगे, यहाँ पे जो बॉटल्स हैं, बॉटल्स भी यहाँ पे कांच की है, जो आपको 5-स्टार होटल में, ये हमने इको फ्रेंडली प्रॉपर्टी की जो पहली है वो हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, हम नहीं चाहते कि हम पहाड़ों में आए हुए हैं हाँ। और यहाँ पे हम पॉलिथीन फैलाएं, प्रदूषण फैलाएं, तो इसके लिए हमने ये कांच की बोतलें यहाँ पे दी है कि इनको अपन रिफिल करके यूज में ले सकते हैं, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, हर एक चीज आपको मिलेगी, पूरी फैसिलिटीज यहाँ पे है, जैसे आपको प्रॉपर 5-स्टार होटल में होती है। यहाँ पे आपको कॉफी वगैरह बनाने के लिए सब कुछ अवेलेबल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक केटल है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर कॉफी अगर आपको पीनी है, कॉफी के पाउचेस हैं, आपको ग्रीन टी पीनी है, ग्रीन टी आपको मिलेगी, चाय पीनी है, चाय मिलेगी, प्रॉपर कप्स। उसके बाद आपको रूम के लिए वॉशरूम यूज करने के लिए यहाँ पे आपको अलग से स्लीपर्स दिए जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कोई ऐसे वैसे स्लीपर्स नहीं है, जैसे अच्छे से अच्छे होटल में आपको वो थोड़ा कपड़े वाली चप्पल मिलती है जो यूज एंड थ्रो वाली होती है, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर ये जो आपको क्या बोलते हैं इसको, थ्रू क्रॉक्स, ये आपको प्रॉपर क्रॉक्स दिए गए हैं, ठीक है, और इसको आप यूज करो, एकदम क्लीन हर चीज आपको मिलती है यहाँ पे। और एक बार आप अगर इसका वॉशरूम का व्यू भी देखेंगे ना, वॉशरूम भी इसका A1 है,
इसमें आपको प्रॉपर सारी की सारी फैसिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया, पूरा 5-स्टार वाली फैसिलिटी आपको यहाँ मिलती है। यहाँ पे आपको क्लीन टॉवल्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर गर्म पानी और ठंडे पानी के लिए आपको पूरी फैसिलिटी दी गई। इसके बाद यहाँ पे आपको ये डेंटल किट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके ब्रश, टूथपेस्ट, कॉम्ब सब कुछ आपको मिलता है। देन आपको ये यहाँ पे हेयर ड्रायर्स भी दे रहे हैं। ये देखो, घर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाता है। अच्छा भैया, मैंने ना एक चीज यहाँ पे नोटिस की है, ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे फरवरी में आए हैं तो उतनी ज्यादा ठंड नहीं है, बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने 2-2 हीटर दिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो बेड है ये भी हमारा इलेक्ट्रिक बेड है, मतलब यहाँ पे आपको बेड भी आप अपना गर्म कर सकते हो, ठीक है, टेम्परेचर आ जाता है तो आपको यहाँ पे ठंड लगने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मतलब यहाँ पे भैया इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे ना बर्फ गिरता है, यहाँ पे 4-4 फीट तक यहाँ पे स्नो गिरता है, तो इसके लिए हमने ये सब दिया हुआ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट है, फिर यहाँ पे ब्लोअर है और ऑयल फिल्ड हीटर है। ये वाला जो हीटर है ना, ये आपका मूवेबल है, ठीक है, इसको आप अगर वहाँ पे चेयर्स पे बैठ के काम करना चाहो, आप वहाँ का नजारा एंजॉय करते करते अपना काम करना चाहो, आप कॉफी पीना चाहो, तो आप ये वाला जो हीटर है वहाँ पे ले जाके यूज कर सकते हो। अच्छा भैया, पहले आप मुझे ये बताओ कि इस प्रॉपर्टी का नाम आपने रखा है कीको, मतलब अपने आप में नाम इतना अलग है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये आइडिया कैसे आया आपको कि आपको ये प्रॉपर्टी रखनी चाहिए? कोई मतलब नहीं है इस नाम का, हमने मतलब ऐसे निकाला है कीप कूल। कीको मतलब कीप कूल, वेरी नाइस, राइट। और ये हमारा ना थर्ड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट हमारा उदयपुर राजस्थान है, और सेकंड हमारा हिमाचल मनाली है, ठीक है, और थर्ड ये है। अभी आने वाले टाइम में हम उदयपुर में एक लग्जरी प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं। तो भैया यहाँ पे ये इतने सारे पेड़ किस चीज के हैं? मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये सारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, इधर एक बार दिखाओ आप पेड़। जिन पे आपको पत्तियां नहीं दिख रही है, हाँ, वो सभी एप्पल के पेड़ है। ओह, इतने सारे पेड़, तो टोटल कितने पेड़ होंगे यहाँ लगभग? ये अभी गिने तो हमने भी नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है वो बताते हैं कि 70-80 पेड़ है टोटल। ओके, ये हमारी लैंड में। ओके, तो यहाँ भैया इतने सारे पेड़ है, तो इसमें एप्पल तो मतलब फिर कैसे, क्या रेट पे आप बेचते हो इनको? अरे हम तो बेचते नहीं है, बट ये अभी हमारे अंदर ही है। ओके, हम भी कोई गेस्ट आएंगे उनको खिलाएंगे। तो यहाँ पे लगभग क्या, यहाँ पे थोड़ा तो सस्ता मिल जाता होगा फिर एप्पल? मैंने सुना था कि यहाँ पे 100 रुपए के 5 किलो मिल जाते हैं। क्या 100 रुपए के 5 किलो एप्पल? अब तो एप्पल वाले सीजन में मुझे वापस आना पड़ेगा। आज हम आपको ना थोड़ा सा किचन का एरिया और बाकी एरिया दिखा देते हैं। कम यहाँ रेस्टोरेंट के बाहर ये प्यारा सा स्विंग लगा है, इस झूले पे बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो अपनी चाय, कॉफ़ी, कुछ भी। यहाँ पे बॉनफायर होती है रात को। कम, थक गई मैं, एक मिनट। यस, तो यहाँ पे होती है बॉनफायर, जल्दी जल्दी भाग के आई हूँ ना, थक गई हूँ। यहाँ पे होती है बॉनफायर, यहाँ पर आराम से बैठ के रात को अपना सॉफ्ट ड्रिंक, हॉट मिल्क, कुछ भी इंजॉय कर सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शंस। आ जाओ किचन में चलते हैं। तो गाइस ये है प्यारी सी किचन, किचन भी इतनी ऑसम बनाई है ना, यहाँ पे पूरा व्यू दिखता है, सारे माउंटेन्स आपको दिखते हैं, आप आराम से यहाँ बैठो, अपना खाना एंजॉय करो, पीना एंजॉय करो, सब चीज़ A1 है यहाँ पे। किचन भी इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज है ना, सी दिस। और मेन्यू के अंदर ना, मतलब मेन्यू तो ख़त्म ही नहीं होता, इतनी सारी डिशेज़ हैं यहाँ पे, आपको ब्रेकफास्ट में इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब वेफर्स तक आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, शेक्स तक आपको अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको लंच में हर चीज़ अवेलेबल है, एंड इटालियन भी आपको अवेलेबल है, पिज़्ज़ा वगैरह सब मिल जाता है आपको यहाँ पे, मतलब आप देख ही सकते हो, सूप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे आपको। डेजर्ट्स में रसगुल्ले भी हैं, गुलाब जामुन भी है, सब कुछ मिलता है, गरम गरम सर्व हो जाता है। अच्छा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप आके अपने खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर करते हो ना, आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब बस आधे घंटे का। उसका क्या रीज़न है मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको एकदम फ्रेश बना के दी जाती है, चाहे वो आपका चॉपिंग करना हो, टमाटर काटना, प्याज काटना, छौंक लगाना, तड़का लगाना, सब कुछ फ्रेश रेडी किया जाता है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा खाना दिया जा सके। चलो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ हमने जो ऑर्डर किया है, भैया अंदर बना रहे हैं, शेफ साहब अंदर अभी उसको बना रहे हैं, एक बार आ जाओ। पहले तो आप ये देखो किचन कितनी ज्यादा क्लीन है, कुछ भी डर्टी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके बनाया जाता है। इधर आओ भैया, ये आपने हमारे लिए कौन सी चीज तैयार की है एक बार बताओगे? ये शायद हमारी दाल तड़का है, राइट, और ये वेज जयपुरी स्पेशल, जो हमें शेफ साहब ने सजेस्ट किया था कि आप ये बनवा सकते हो, आज हम ये ट्राई करने वाले हैं।
प्रेजेंट करने का तरीका भी इतना अच्छा है, टेस्ट भी A1 है, और आप देख ही सकते हो सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब जल्दी से मैं आपको एक बार अपनी टेबल दिखा देती हूँ। सारी बात तो हो गई, अब मेरी जनता ये जानना चाहती है कि बुकिंग करनी कैसे है, वो तो बताओ। देखो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है kiku.in, kiku.in, ठीक है। वहाँ से आपको ना अदर ओटीए प्लेटफॉर्म से सबसे चीपेस्ट प्राइस आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी, वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट डील मिलेगी, आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाओगे। ओके, तो आपने देखा मतलब जनरली क्या होता है ना, आप किसी भी होटल की वेबसाइट पे जाके या कहीं से भी आप बुकिंग करते हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। फिर अच्छी बात ये है कि आपको डिस्काउंट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं की वेबसाइट पे आओ, वहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। सो गाइस, प्रॉपर्टी का मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिखा दिया है, अच्छे से टूर करा दिया है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया चुपचाप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर देना वीडियोस, आप जिसके साथ भी यहाँ पे आना चाहो या जिसको भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहो कमेंट कर देना, कुछ भी डाउट हो। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।